ये हाय, ये भाई को हम मिला गुजरात से है, तो कपिक बोल के नाम है उनका। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग अभी आए हैं गोलकुंडा में, और गोलकुंडा ये फोर्ट है, तो हम लोग अभी जाएंगे अंदर तक। और यहाँ पे 700 सीढ़ी आया है दोस्तों आप लोगों को, और यहाँ पे जैसे वांटेड और तेरे नाम जैसे मूवी भी यहाँ पे शूट हुआ है, तो बड़े बड़े यहाँ पे मूवी भी शूट है, बहुत ही अच्छा लगता है अंदर में दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए आगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप लोग मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों आपको ये सामने का जो दीवार दिखाई दे रहा है, पहले के जमाने में ये एक बहुत बड़ा उन लोग सुरक्षा के लिए रखा था, कोई भी अंदर आना ना पाए। और यहाँ पे जो आपको दीवार के सामने होल दिख रहे थे, वो होल कोई भी बड़े चीज आके दरवाजा तोड़ ना पाए बोल के यहाँ पे गर्म पानी या तो तेल, गर्म तेल डाला जाता था दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आगे की तरफ जाएंगे और अंदर की तरफ जाके यहाँ पे देखेंगे और क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ। तो यहाँ पे आपको सामने दिखेगा पहले का जमाने का टेलीफोन जो बोलते थे लोग, ये टेलीफोन का जमाना था उस टाइम में, जो इको होता था यहाँ पे। और ऊपर की तरफ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा इको सिस्टम है दोस्तों, पूरा इको होता है यहाँ पे। आप हाथ का मूवमेंट करेंगे तो आपको पूरा इको होगा। मैं आपको इको करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इको होता है देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लोग भी कर रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे इको सिस्टम होता है दोस्तों, यहाँ पे लोग करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, दिखाएंगे आपको। यहाँ पे पहले का टेलीफोन था उस टाइम के जमाने में, यहाँ से इको होता था तो ऊपर तक जाता था। यहाँ पे सब ने तालियां बजाना शुरू कर दिया दोस्तों। तो आगे की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको अगर 3 मंजिले यहाँ पे बिल्डिंग जो दिखाई दे रहा है, यहाँ इसके अंदर दोस्तों कम से कम 150 रूमें हैं इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं उंगली जहाँ पे दिखा रहा हूँ वहाँ पे सिंगम रिटर्न का जो एक गाना है, कुछ तो है गाना का शूट हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको तूपे दिख रहे हैं, ये तूपे 1873 को यहाँ पे दिया गया था निजाम को। रोशन के टाइम में ये तूपे ऐसे रहते थे। तो जो प्लेस है, तो दोस्तों आइए मैं आपको आज दिखाता हूँ हीरे का जो बाजार बोलते थे, हीरे का मार्केट जो बोलते थे, आपको ये जगह दिखाता हूँ। ये है नगीना बाग दोस्तों, इसको नगीना बाग कहते हैं, जो पहले हीरे का मार्केट लगता था। और यहाँ पे दोस्तों जो वांटेड फिल्म आया था, यहाँ पे शूट हुआ था दोस्तों, सबसे बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ था ये वांटेड मूवी। और तो आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इसी प्लेस में हूँ आज, जहाँ पे एक जमाने में तेरे नाम यहाँ पे शूट हुआ था। तो उसके लिए यहाँ पे आप जरूर आइए, आके एक बार देखिए, क्योंकि सब लोग यहाँ पे एक कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से लोग आ रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी एक बार आके यहाँ पे देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ का जो नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं जहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा था अभी, यहाँ पे इमरान हाशमी का एक आजार बोल के मूवी आया था, तो यहाँ पे शूट किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये इसका वेट है 250 किलो। तो इसको जो उठा सकता है दोस्तों, पहले के जमाने में उसको ही यहाँ पे जॉब में रखा जाता है, जो नहीं उठा पाएगा उसको नहीं मिलता है, और जो उठा लेगा दोस्तों उसको रहने के लिए मकान मिलेगा बाहर में, और खाने के लिए मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, हथियार मिलेगा, जो हर चीज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यह था यहाँ का रूल दोस्तों। तो यह यहाँ पे सलमान खान ने भी इसको उठाने की कोशिश किया था, नहीं उठा पाए थे। तो दोस्तों ये क्या है ना कि बहुत ही वेट है, और ये बहुत ही मुश्किल लगता है उठाने में, लेकिन जिसको हो सकते है कि जिसका ताकत होगा वो ही उठा पाएगा। तो दोस्तों ये भाई ने 3 बार उठाए, आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल में कि ये भाई ने देखिए 3 बार उठाए थे, और ये जिम ट्रेनर भी है, इनका नाम बामुजी है। मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है बामुजी। अच्छा, मैं हैदराबाद से कल्फिट का ट्रेनर हूँ, और आई एम आल्सो स्टैंड अप कॉमेडियन। आई डू शोज इन ऑल अराउंड हैदराबाद सिटी, हिंदी में जोक्स होते हैं मेरे, इंग्लिश में जोक्स, और मैं थोड़ा बहुत लिफ्टिंग वगैरह, हैंड स्टैंड, कैलिस्थेनिक्स वगैरह भी करता हूँ। भाई रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो,
और ये 250 किलो का मेटल करा था, वेरी लेजेंडरी। यहाँ पे लोग बहुत लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, सब लोग ट्राई करते हैं। जस्ट आदमी लोग होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन लोग चेक करने रहता है कि मेरे में कितना दम है, कुछ लोग उड़ा पाते हैं कुछ लोग नहीं। बट एज अ फिटनेस प्रोफेशनल आई हैव टू टेल पीपल दैट अपना बैक क्या क्या है, आपका हेल्थ सेफ्टी भी रखना है। अब जोश में आके ज़्यादा वजन कभी मत उठाएं घर पे, ये देखिए घर के पास कोई ज़्यादा वजन उठाएं आप, बैक इंजोर हो सकता है। आई डिड बिकॉज मेरा आई हैव ट्रेनिंग, 200-250 किलो मेरे को उठाने की आदत है, सो आई लिफ्टेड इट कम्फर्टेबली, बट मेरे को फिर भी ब्रूजेज आए, ब्लड क्लॉट हुआ मेरा थोड़ा बहुत, बिकॉज ये टॉवल से उठाना था। जिम में क्या बार वगैरह रहती है, अगर आपको खाने का शौक है तो आपके जिम में आप सही प्रॉपर इक्विपमेंट ईजिली करिए। तो भाई बी हेल्दी, भाई का ब्लॉग मेरा MS Boys ब्लॉग है, MS Boys ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कंटेंट बना रहे क्रिएटिंग। ये भैया ने जो बोला है तो आपको जिम के बारे में जो बताया है तो उसको आपको मेंटेन करना है और आपको ज्यादा वजन नहीं उठाना है, क्योंकि ये देख के आप ट्राई मत करिए, क्योंकि कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये बहुत ही रिस्क है। तो आप ऐसा वजन मत उठाइए, घर में भी ट्राई मत करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो आप लोगों को बताया। तो दोस्तों हम लोग आगे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ देखेंगे और क्या क्या यहाँ के अंदर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इमरान हाशमी का जो मूवी आया था ये इसी के साथ मिलता है, मेरा स्क्रीन पे देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही गर्मी है दोस्तों, बहुत गर्मी है, तो ऊपर तक जाना है, आप देखिए वहां तक जाना है दोस्तों, बहुत ही गर्मी यहाँ पे लग रहा है और धूप तो बहुत ही है। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं दोस्तों आप लोग, मैं आगे की तरफ दिखाता हूँ आपको। हम लोग यहाँ से जाएंगे दोस्तों, पहले यहाँ से जाएंगे, घूम के यहाँ से आएंगे। यहाँ पे दो रास्ता होते थे पहले, जो निजाम के टाइम में उस टाइम में दो रास्ता होते थे, उन लोगों के लिए अलग होते थे और पब्लिक के लिए अलग होते थे। तो हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे घूम के, वहाँ से फिर रिटर्न इधर आएंगे। आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आके देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है इसके अंदर, जो यहाँ पे गोलकुंडा किला बोला जाता है इसको, बहुत ही विदेश से लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे इको होता है लोग, और यहाँ पे दिखाएंगे दीवार में आप कान लगाए तो आपको आवाज सुनाई देता है, यहाँ का ऐसे 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 चीज आपको दिखाएंगे आज। तो आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों, आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाके वो दीवार को देखेंगे जो कान लगाने से वहां से आवाज आते हैं, तो वो दीवार को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वहां तक जाने के लिए चलते हैं। यहाँ पे क्रॉस बोल के एक दरवाजा दीवार है, यहाँ पे आपको सुनाई देते हैं। यहाँ पे देखिए लोग आते हैं विदेश से भी, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं दोस्तों। मैं आपको एक एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, बने रहिए आप लोग वीडियो पर। यहाँ पे ये देखिए लोग, यही दीवार का बात बोला था दोस्तों, यहाँ पे कान पे कान लगाए तो दीवार पे आपको आवाज सुनाई देता है। ये जो कोने हैं देखिए लोग सुन रहे हैं, यहाँ पे देखिए सुन रहे हैं लोग, मैं आपको थोड़ा दोस्तों देखा, लोगों ने यहाँ पे कान लगा के देख रहे थे, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे देखे लोग कान लगा रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन्हें पूछता हुए अन्ना से, अन्ना करेक्ट है वो आवाज आता आ रही है पूरा उधर से, एक बार देखते। यहाँ पे देखिए लोग साउंड सुन रहे हैं, यहाँ पे दीवार में कान लगाए तो आपको साउंड सुनाई देगा। तो पहले के जमाने में ऐसा ही लोग सुनते थे, पहले के जमाने में फोन या तो कुछ भी ऐसा टेक्निकल चीज नहीं था, ऐसे ही उन लोग काम चलाते थे दीवार में बात करते करते। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को और बहुत ही दूर जाना है, हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी, यहाँ से जाके आपको दिखाएंगे सामने की तरफ।
तो दोस्तों हम लोगों को वहाँ पे जाना है, सबसे ऊपर वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों वहाँ पे जाएंगे अभी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत पहले एक मूवी आया था, इसका नाम मूवी का नाम था मागाधीरा बोल के, तेलुगु मूवी आया था। तो यहाँ पे रामचरण यहाँ पे डांस कर रहा था, आप मेरा स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मागाधीरा के बाद तेरे नाम जैसे भी मूवी यहाँ पे शूट हुआ है, और आपको मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए सलमान खान, मेरा स्क्रीन में आप देख सकते हैं सलमान खान इसी दीवार से जो भागते हैं जल से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ ऊपर, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो देखिए मैं अभी तक चढ़ रहा हूँ सीधे यहाँ तक, देखिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरा यहाँ पे आने के बाद नया नया दोस्त बने हैं, तो मुझे देख के मेरा YouTube के बारे में पूछिए, तुमने बताया अपने बारे में, तुम लोग भी अपने बारे में बताया दोस्तों। बहुत ही अच्छे लड़के लोग ये, यहाँ बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे आके हम लोग मुझसे बात किया, तो ऐसा ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोग भी ऐसा सपोर्ट करते रहिए चैनल को, तो उन लोग का नाम बताएंगे दोस्तों एक एक करके। आपका नाम क्या है भैया? सुशेंद्र। आपका नाम? आदित्य। ये आदित्य है भैया, और श्री राम, ये श्री राम है। तो आप लोग कुछ बोलेंगे YouTube में कि कोई बात नहीं गाइस, उन लोग थोड़ा शर्मा रहे, कोई बात नहीं, उन लोग का बात आप तक पहुंच गए होंगे, तो आप जरूर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 360 सीढ़ियाँ चलना है ऊपर, तो आप लोग बने रहे वीडियो के साथ। तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे दोस्तों, और जाके वहाँ पे मीटिंग रूम कहाँ पे यहाँ पे बिकेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, और तो दोस्तों आगे और भी आगे जाएंगे हम लोग ऊपर की तरफ मीटिंग हॉल पे, तो जाके वहाँ पे दिखाएंगे आप सभी लोगों को। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों हम लोग आए हैं वो जो यहाँ पे पानी का जो टैंक होते थे पहले, आपको ये नज़ारे दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए पानी का टैंक, और पहले के ज़माने में ऐसे ही टैंक होते थे, अभी तो इसमें कचरा वगैरह भर दिए पूरे लोगों ने। तो दोस्तों ये पहला टैंक है, उसके ऊपर और एक टैंक है जो आपको मैं दिखाऊंगा। ये चार टोटल टैंक होता है दोस्तों यहाँ पर दोनों। तो अभी मैं दूसरा टैंक आपको दिखाऊंगा, यहाँ से ये फर्स्ट टैंक है नीचे वाला, दूसरा वाला आपको ऊपर दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए एनर्जी के साथ चलना पड़ेगा दोस्तों, तो बहुत ही ऊपर जाना है हम लोगों को। हाय भाई। हाय। यस यस, एम आसम से। ठीक है। तो दोस्तों अभी नीचे से ऊपर तक आया, ऊपर आने के बाद मैं आपको दूसरा टैंक ही दिखाता हूँ। ये जो दूसरा टैंक है यहाँ पे देखिए, आपको टैंक में पास करते थे पानी, और यहाँ से पास करके फिर ऊपर तक लेके जाते थे उस टाइम के जमाने में, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं मिलता था बहुत। यहाँ पे जा रहे हैं देखिए, यहाँ पे आपको सिकंदराबाद मिलेगा। तो सिकंदराबाद यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा, ये आपको सिटी दिखाई देगा यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक जेल है यहाँ पे, और ये जेल पे जो जब कैदी को रखा जाता था पहले के टाइम में, तो उस टाइम में उन लोगों को इसी जेल में रखा जाता था। और जेल कैसा होता था देखिए, और उन लोगों को खाना कैसे दिया जाता था दोस्तों, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ऊपर की तरफ कैमरा करके। तो ये जो कैदी को यहाँ पे खाना दिया जाता था, यहाँ से रस्सी डाल के उन लोगों को खाना दिया जाता था, तब जाके उन लोगों को खाना मिलता था दोस्तों। उस टाइम में ऐसा ही उन लोगों को रखा जाता था। तो दोस्तों ये देखिए आगे की तरफ जाएंगे, और ये जो मस्जिद दिख रही है आपको, ये हर मूवी में आपको दिखाई देगा, तो उसके सामने जाएंगे दोस्तों अभी। तो अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे। तो ये एक के ऊपर एक पत्थर रखा है, देखिए गिरेगा भी नहीं, और नीचे गिरेगा तो एक भी आदमी यहाँ पे मतलब दाल बन जाएंगे पूरे।
यही मस्जिद है दोस्तों, जो हर फिल्म में दिखने को मिलता है हम लोगों को, और मैं अभी आया हूँ इसी मस्जिद के सामने सबसे ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों को नीचे से बोला था कि मैं ऊपर जाऊँगा और ऊपर जाके आपको दिखाऊँगा, तो ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पे ये मस्जिद है, तो आप देख सकते हैं। तो ये मस्जिद तक मैं आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आज का संडे के दिन है इसलिए लोग बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत क्राउड। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूजा भी कर रहे हैं पंडित जी, और यहाँ पे मस्जिद भी है और आपको मंदिर भी मिलेंगे दोस्तों, दोनों एक ही साथ आपको दोनों देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं मीटिंग हॉल, और यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे उसके ऊपर और जाके आप लोग सब लोगों को दिखाएंगे अंदर में क्या है दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के साथ, तो चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देखिए, पहले जो यहाँ के जो निजाम यहाँ पे बैठ के जो मीटिंग करते थे, यहाँ पे जो दरबार लगाते थे, इसी में बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैठता था निजाम और यहाँ पे दरबार लगाते थे। देखिए यहाँ पे लोग आ रहे जा रहे। तो दोस्तों पहले के जमाने में देखिए कितना छोटा छोटा सीढ़िया रहते थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। ये देखिए दोस्तों पहले के जमाने में कितना छोटे छोटे सीढ़िया है। ये आई, ये भाई को अब मिला, गुजरात से है, तो प्रतीक बोल के नाम है उनका, तो वेरी नाइस एंड वेरी गुड पर्सन। सो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जितने भी लोगों को मिल रहे हो सभी बहुत ही अच्छे मतलब कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग भी मतलब उनको मतलब देख रहे हैं अभी, बहुत ही अच्छे आदमी है, तो वेरी बेस्ट ऑफ लक आपको मतलब आप मेरे से बात करने के लिए। तो वीडियो के बारे में कुछ बोल दीजिए कि वीडियो को चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फॉर श्योर गाइस, आई इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट एवरीवन, गो थ्रू दिस वीडियो चैनल, यू विल डेफिनेटली लव नॉट ओनली दिस वीडियो बट यू कैन रेफर अदर वीडियोस एज़ वेल। नाइसली कैप्चर्ड एंड यू गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन ओवर हियर। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। तो आप लोगों ने सुन लिए भैया ने क्या बोला, तो जरूर आप लोग वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जाके प्रेस जरूर कर लेना दोस्तों, और बने रहिए वीडियो के साथ क्योंकि अभी तक वीडियो खत्म नहीं हुआ, आगे आप लोगों को और भी कुछ दिखाना है। तो ये जो देख रहे दोस्तों प्लेस, ये प्लेस में बहुत बड़े बड़े मूवी शूट हुए हैं, पुराने से लेकर नए मूवी तक यहाँ पे शूट हुए हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये प्लेस भी बहुत बड़े है, यहाँ पे बहुत सारे मूवियां शूट हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया था कि जो गुफा यहाँ से चांदीना तक जाते हैं, तो यही गुफा मुझे मिला है, ये गुफा है देखिए दोस्तों, ये जो गुफा मैं आपको सामने से दिखाता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों एक सेकंड। ये देखिए दोस्तों ये गुफा अभी फिलहाल बंद कर दिया इसको, ये गुफा को पहले के जमाने में ये यूज किया जाता था, इसको इस्तेमाल किया जाता था, अभी इसको फिलहाल बंद कर दिया। तो ये गुफा को अभी यहाँ से कहाँ तक जाता था, वो चार मीनार तक जाता था यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे आए तो पानी का बोतल कभी भी साथ में रखिए, क्योंकि उठने के टाइम में बहुत ही मुश्किल होता है, यहाँ पानी ऊपर में जाके मिलता है खरीदने के लिए, तो आपका पानी का बोतल बहुत ही महत्वपूर्ण है, पानी का बोतल साथ में रखिए अगर यहाँ पे आए तो। तो दोस्तों अभी जाएंगे यहाँ से, ये रास्ते से जाएंगे, कितना थोड़ा जंगल टाइप का रास्ता है, तो आपको दिखाएंगे ये रास्ता के इधर से जाके, तो बहुत सारे शूटिंग हुआ है यहाँ पे, अभी तो बहुत सारे जंगल हो गए, पहले बहुत सारे शूटिंग यहाँ पे हुआ था।
वाला था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े सीन हुआ था, तो इसलिए मैं आपको ये प्लेस दिखाने के लिए आ गया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग भी यहाँ पे आके विजिट करिए, बहुत ही अच्छा है क्योंकि फॉरेन कंट्री से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे बात भी किए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है हैदराबाद का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, गोलकुंडा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट से ज़रूर बताना, और चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा प्लेस मैंने दिखाया, जहाँ तक मेरे को हो सके मैं यहाँ तक दिखाया दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही 10 से 15 एकड़ लेके ये प्लेस इतना बड़ा है दोस्तों, ख़त्म ही नहीं होगा एक दिन में। तो दोस्तों इसके लिए मेरे को जहाँ पे इम्पोर्टेंट जगह लगा मैं वहाँ पे दिखाया, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करना दोस्तों, इसलिए क्योंकि मैं उससे भी बेहतर बेहतर वीडियो लाने वाला हूँ दोस्तों, और भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।